और व्यू ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं गाइस, क्या ही बताऊं। ये बंदा तो पूरा व्यू देख के पागल हो गया है, इसका दिमाग का कुछ अभी रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। क्या ही बताऊं। फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है। तो चम्मच नहीं मिला तो किसी के विजिटिंग कार्ड को चम्मच बना दिया है। This is Sumit and welcome to Assessment. So guys, आज है हमारी राइड का डे 16 और आज भी हमें यहाँ पर स्टे लेना पड़ेगा। बेसिकली अभी हम है कोडाई केनाल में, कल रात को ही पहुंचे थे और कल रात को हमारा स्टे बुक था, लेकिन उसको जब बोला कि स्टे को एक्सटेंड करना है तो उनका ऑलरेडी बुकिंग लिया हुआ है, तो हमें कहीं पे होटल ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले करते हैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हमारा थोड़ा बहुत पैसा लिटिल बिट बच जाएगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ब्रेकफास्ट और बाद में फिर सारा लगेज लोड करके फिर ढूंढेंगे एक नया सा होटल और फिर यहां पर करेंगे एक्सप्लोर कोडाईकनाल को। तो आज का ब्रेकफास्ट और यहां से दीव। तो गाइस अभी बाइक हो रहा है वार्म अप और इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस एंड गोइंग टू समवेयर एल्स, यानी कि किसी और होटल को ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टे एक्सटेंड हो नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके हरि का नाम। जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, हर हर महादेव, लेट्स मूव। ललित ने कोई होटल तो ढूंढा है, आई थिंक होम स्टे है, चलो देखते हैं। बट यहाँ के घर काफ़ी खूबसूरत होते हैं। वैसे यहाँ हर जगह पे नीलगिरी की काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती है। अब नीलगिरी को हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं नहीं जानता, अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ डू कमेंट। यहाँ पर भी एक होम स्टे है, ललित गया देखने अभी कैसा है कमरा। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने वो जो कल वाला होटल था वहाँ से चेकआउट कर लिया है और यहाँ पर एक अच्छा सा होम स्टे हमें मिल गया है और यहाँ से व्यू है जस्ट वाव। वहाँ पर पीछे पड़े हैं हमारे बाइक्स, तो ये रहा अपना बाइक, ये पीछे ललित का और व्यू। रुको अभी मैं आपको दूसरा बालकनी वाला व्यू दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। और व्यू ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं गाइस, क्या ही बताऊं। ये बंदा तो पूरा व्यू देख के पागल हो गया है, इसका दिमाग का कुछ अभी रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। क्या ही बताऊं। इसका रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम लोग जा रहे हैं गुना के उस, और उसका डिस्टेंस यहाँ से है 13 किलोमीटर्स। अभी 4.9 किलोमीटर बचा है और टाइम बता रहा है 21 मिनट। बट यहाँ के ड्राइवर जो है वो ड्राइवर नहीं, स्क्रू ड्राइवर है। कल रात को एक तो पूरी हिल में स्टिफ वाली क्लाइम, उसमें से सामने से उतर रहे हैं और वो भी हाई बीम डाल के। अब उसको डिक्लाइन करने में आई बीम की क्या ज़रूरत पड़ी होगी वो कुछ मालूम नहीं पड़ा। आगे कुछ शायद से कुछ तो चेक पॉइंट जैसा है, ट्रैफिक तो देख थोड़ा बहुत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चलना होगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग जटायु रोक पे 820 स्टेयर्स चढ़ के गए थे
तो यहाँ पर बाइक 20 रुपये की पर्ची कटा के हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक देखो। चलो अपनी बाइक तो थोड़ी आगे जा रही है, जिधर तक जाती है उधर तक खींच लेते हैं, थोड़ा सा कम चलना पड़े। काफ़ी स्लिपरी वाली सरफेस, इतना ट्रैफिक इधर। वो बंदा चाइनीज में कुछ बोला, मालूम नहीं पड़ा क्या बोला, जो भी बोला सुनने को मजा आया। जब ये बस चढ़ नहीं रहे तो काहे को चढ़ा रहे हो भैया। ये बस वाला काफी विचित्र किस्म का बंदा है, बस चढ़ नहीं रही है फिर भी जोर लगा लगा के चढ़ा रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो और भी ट्रैफिक है, पीछे जो ट्रैफिक गया वो तो है ही है लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। ये वो जो कल टूरिस्ट वाली बस नहीं थी, अपने होटल में भी आई थी, वही सब लोग है इधर, गलत जगह फंस गए। तो हमने पिलर रॉक व्यू पे जाना भी कर दिया कैंसिल, क्योंकि वहाँ पर था इतना ट्रैफिक कि फील लेने से तो ज़्यादा सफ़र करेंगे ऐसा फील हो रहा था। अभी आगे है ग्रीन वैली व्यू, वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। अकल के दुश्मन, गलती से मिस्टेक हो गई, गुनाह के वाके। मैं क्या बोलता हूँ, इससे तो ऐसी किसी जगह पर बाइक खड़ा रख के ऐसे ही बैठेंगे ना तो भी मज़ा आएगा। नहीं अभी किधर भी जाने का नहीं है मेरे को, तू तेरे को कहीं जाने का है तो जा, मैं सीधा जाएगा रूम पे और उधर बेस्ट, उधर मस्त बैठ के रेस्ट करेगा, क्योंकि जिधर भी जाओ उधर ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मतलब पक गए यार। आज वैसे वीकेंड का दिन है, सैटरडे संडे तो रहेगा, तो इससे अच्छा है होटल पे जाए और मस्त व्यू को एंजॉय करते हैं। चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे और फिर जाते हैं रूम पे। तो यहाँ पर लेक व्यू पॉइंट देख के आते हैं, शायद से ऐसा लग रहा है होपफुली कि वहाँ पर ट्रैफिक ना मिले। तो अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो बैठेंगे थोड़ी देर, चिल मारेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और क्या। यहाँ से लेक से नज़ारा ऑसम। यहाँ से निकल के हम लोग गए 2-3 स्पॉट पे, लेकिन जिधर भी गए उधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब कि सारा जो तमिलनाडु का जो पब्लिक है वो इधर इस कोडाईकनाल में आके बैठ गया, ऐसा फील हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यार इतना ट्रैफिक हमें झेलना नहीं, हम यहाँ पर मज़े लेने आए, पीसफुल वेदर को एंजॉय करने आए हैं, तो चलो वापस चलते हैं अपने होम स्टे पे। और यहाँ से नज़ारा कुछ अलग लेवल का है, और वैसे हमें जो रूम चाहिए था वो हमें मिला नहीं, लेकिन वहाँ से जो बादल दिखते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। अभी हम वापस
वापिस आ चुके अपने होटल पे और हमें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हमारे पास कैंपिंग तो चीज़ें धीरे धीरे आने दो। तो मैं उधर से गुजरात से बावर्ची लेके आया हूँ, वो यहाँ पर कुछ पका के देगा मुझे। चलो इसको वन बाय वन उसका सामान देते हैं। चलिए ले ब्यूटेन, दिस इज स्टाउ डार्लिंग, वेसल्स बर्तन यानी कि बर्तन। तो ये बाटला हम लेके आए थे कल मुनार से, ये तो हमारे पास लद्दाख ट्रिप का था। बेसिकली इस बाटले की कीमत होती है 100 रुपीज, लेकिन हमने 300 रुपये दे के लिए 300 रुपये दे के परचेस किया है। मतलब कि जो अभी गेंडा देख रहा होगा तो गाली देगा। 300 रुपये का बाटला लिया, मतलब हमारी मजबूरी का फायदा उठाया गया है। लेकिन कोई नहीं, हम तो एंजॉय कर, मिल नहीं रहा था कुछ तो फिर जो हमें मिला वो ले लिया। मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पर लैंग्वेज का, हम समझाने कुछ जाते हैं और वो समझते कुछ और। बिस्किट टाटिया फंस गया, ला निकाल के देता हूँ। इसका ढक्कन खोल के रखते हैं क्योंकि ये फर्श जो है वो है लकड़ा का और हम आग लगाने में उस्ताद है। शायद से आपने लद्दाख में देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो लद्दाख वाली सीरीज जाके देखो। लाइटर है, अरे तू बोल, अपने पास शब्द है, इसमें है, देखने दे मुझे। हाँ चल भी रहा है, ए धीरे धीरे थोड़ा स्लो रहो। करो ये खुलने थोड़ी क्या करा दिया साले, काफी ज्यादा फास्ट रखा है तूने। अरे बंद कर दिया है मैंने, ये खुलना पड़ेगा भाई, ठंडी लगेगी तो लगेगी वरना दोनों जाएंगे। अरे चल ट्राई करते हैं, तो खुल गया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि विंड से शायद से। अरे नहीं बुझेगा तू, साढ़े चलो ये निकाल तो पानी लेके आ तू, इधर ही जाए तो बोल खाली। चल ये आ गया पानी, ये खुल के दे साला। ये बावर्ची का सैलरी तो मेरे को महंगा पड़ेगा। अगर हमारे जय भैया ये वीडियो देख रहे हैं तो वो काफी गुस्सा हो गया हमसे। पहले सूप बनाएंगे, लेकिन यार अपने पास चम्मच नहीं है मेरी खाने के लिए। क्या बोलते हैं, चल बावर्ची जल्दी से खाना। अबे ये पबजी का तवा है, दूंगा एक खोपड़ी में, फोड़ी एक खोपड़ी। तो आज फिर से खुरापाती शुरू की है हमने अपने रूम में। तो अभी ये ललित जो है वो खाना पकाने में माहिर है थोड़ा बहुत, तो ये सूप बना रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है, सूप बनता है कि और कुछ। चलो अभी इसमें डलेगा ये सूप का जो रेडी टू कुक वाला मटेरियल। भैया जी कहाँ बना रहे हो? मामू तेरे को वही बनाना आएगा। रसोई शो के पार्ट टू में आपका स्वागत है। अभी हम बनाने वाले हैं मैगी होटल के रूम में। बस एक दिक्कत है, यहाँ पर फायर अलार्म नहीं है तो अच्छा है, वरना होटल वाले हमें आज सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। उसकी सेफ्टी के लिए हमने रखा है फायर एक्सटिंग्विशर, रुकावट के लिए खेल। ये एक था। तो मैगी बनाने के लिए चाहिए एक कप पानी। बाइकिंग से अभी हम बावर्ची बन गए, अब बना दिए 20 मिनट में मैगी, 20 मिनट में मैगी, 5 मिनट वैसे तो 2 मिनट में बनती है, लेकिन हम कुछ अलग किस्म की मैगी बना रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा। आपने अभी तक ऐसी मैगी कहीं पे भी नहीं देखी होगी, होटल के कमरे के अंदर। ऐसा कांड हम ही कर सकते हैं और कोई सोच भी नहीं सकता, होटल के रूम में बैठ। वैसे हमारे लिए ये नया नहीं है, हम ये लद्दाख में भी करते हम ऐसा सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। तो आप मैगी बनाने के लिए आपको चाहिए ऐसा एक फावड़ा, फावड़ा नहीं बोलते इसको, क्या बोलते, चम्मच, बाकी आप जो चाहे बोल सकते हो। ऐसे लग ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा झटका आ रहा है, लगता है ब्यूटेन का बाटला पागल हो चुका है। इसे बोलते हैं पहाड़ वाली मैगी। मस्त ये पक गया है, ऐसा उंगली डाल के चेक करने का कर, मैंने तो किया हुआ है, आप ट्राई कीजिए। नहीं मेरे को नहीं करने का, बावर्ची कौन है तू है? होटल वाले सोचेंगे नीचे से, अरे इतना बढ़िया स्मेल कहाँ से आ रहा है, मैगी कौन लेके आया है, उसको कहाँ पता होगा कि यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, ला नहीं रहे किधर से। व्यू दिखा देता हूँ,
मैगी तो रेडी हो चुका है। ए बंद करिए, अबे रामू चाचा ये बंद कीजिए। अरे वैसे बंद नहीं होता रे, अबे ये चूल्हा है, चूल्हा है, ऐसा फूंक मार के बंद कर रहा है। मेरे को थोड़ी पता है ये मोमबत्ती है क्या, फूंक मार रहा था, हो गया ना। फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है। तो चम्मच नहीं मिला तो किसी के विजिटिंग कार्ड को चम्मच बना दिया है। जुगाड़बाजी जिंदाबाद, चलो लेट्स हैव मैगी। अरे यार ये तो 5-स्टार होटल से भी नहीं आएगा। तो अभी हम मैगी खा के थोड़ी देर के लिए सोमो सो गया था और मैं मिनी व्लॉग एडिट कर रहा था, और जैसे ही बाहर निकले ठंडी बहुत ज़्यादा है और व्यू हाई में मर गया। अच्छा हुआ दिख गया, वो जयू का फोन आया और तू बाहर निकला, वरना तू सोता रहे। अरे मैं सो गया था आज तो ये व्यू मिस हो जाता। व्हाट अ लवली व्यू। का डिनर वेज कोल्हापुरी एंड बटर नान, इसने अभी अभी शुरू किया है, और प्याज माय फेवरेट थिंग, लड़का अच्छा है बस प्याज वो तो चाहिए चाहिए। और अगर कोडाईकनाल में हो और वेज खाना ढूंढ रहे हो तो इस जगह पे आना तो बनता है, नाम बाद में बताता हूँ। तो अगर आप खाना चाहते हैं प्योर वेज तो यहाँ पर आना तो बनता है, काफ़ी अच्छा फूड है और सर्विस भी बढ़िया है। तो अभी हम डिनर करके वापस अपने होटल पे आ चुके, और ये भाई साहब पता नहीं ये लैंग्वेज उसको समझ भी नहीं आ रही है, फिर भी वो देखा जा रहा है, ये आधा वो खत्म कर दिया इसने। क्या करेंगे अभी। अरे भाई क्या सीन है तेरी, मेरे को कंटाला आ रहा था तो मैं आधा वो भी देख लिया था इसने। ओ बापरे। तो गाइज फाइनली डिनर लेके हम वापस आ चुके हैं अपने होटल को, और ये कुछ अपने लैपटॉप में लगा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और मैं वैसे पक रहा था तो मैंने ये तमिल में आधा मूवी देख लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी टाइम पास कर रहा हूँ। सो होप कि आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो आप जानते हैं ये क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।